वेलकम टू यूनिवर्स लाइफ। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल के आइकन को दबा दीजिए ताकि आप देख सकें हमारी न्यू अमेजिंग वीडियो सबसे पहले। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। आज मैं आपको एडवर्ड मोटरेक की स्टोरी बताऊंगा। ये दो चेहरे वाले आदमी के नाम से मशहूर है जिनके सर में दो चेहरे थे, एक आगे की तरफ और दूसरा पीछे की तरफ। पीछे वाला चेहरा ना खाता था ना पीता था, ये सिर्फ हंसता था और रोता था। एडवर्ड मोटरेक इससे बहुत परेशान थे। जब भी वो हंसते थे तो पीछे वाला चेहरा रोता था, और जब वो रोते थे तो पीछे वाला चेहरा हंसता था। ये इन्हें रात को सोने भी नहीं देता था। जब भी ये सोने की कोशिश करते थे वो कुछ ना कुछ उनसे बातें करने की कोशिश करता जिससे उनकी नींद ख़राब हो जाती और वो कभी भी पूरी नींद नहीं ले पाए। इन्होंने डॉक्टर से कहा कि इस चेहरे को अलग कर दे, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, तो इन्होंने इस बात पर सुसाइड कर ली। लोगों का कहना है कि जब इन्होंने सुसाइड की जब ये मर चुके थे, लेकिन इनका चेहरा कुछ ना कुछ बोल रहा था पीछे वाला, इससे लोग बहुत हैरान हुए। अगर आपको यूनिवर्स चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप देख सकें हमारी न्यू अमेजिंग वीडियो सबसे पहले, और लाइक शेयर करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।